हेलो एवरीवन, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। इन आवर अर्लियर वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड एंड नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड पर्सन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड मैनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस। सो वी आर गोइंग टू कवर अ न्यू टॉपिक प्रोनाउन इन दिस वीडियो। सो बने रहिए साथ में, बढ़ते हैं आगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज हो उसे बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं अगर, कि जैसे राधिका इज अ गर्ल, राधिका स्टडीज इन क्लास 8th, राधिका हेल्प्स हर मदर इन ऑल द वर्क्स। सो यहां पर हम देख रहे हैं राधिका राधिका राधिका, बार बार एक ही वर्ड आ रहा है। सो हम यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं ला सकते जिससे जो है बार बार राधिका शब्द ना आए। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए जो टर्म बने हैं उसी को कहते हैं प्रोनाउन। अब जैसे यहां हम क्या कर सकते हैं, जैसे राधिका इज अ गर्ल, सी स्टडीज इन क्लास 8th, सी हेल्प्स हर मदर इन ऑल द वर्क्स। सो इस प्रकार हमने एक बार राधिका का यूज किया, उसके बाद हर जगह हम किसका यूज कर रहे हैं? सी का यूज कर रहे हैं। बार बार हमें नेम रिपीट करने की नीड नहीं है। तो इस प्रकार ये होता है प्रोनाउन। काइंड्स, तो इसके हम कई सारे काइंड देखते हैं जिनमें से मेन काइंड जो है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट काइंड की बात करें अगर हम, तो इसमें हम बात करेंगे पर्सनल, डेमोंस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। सो इस प्रकार के प्रोनाउन आते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार के प्रोनाउन्स यहां पर हम देखते हैं। जैसे अगर बात करें पहले वाले प्रोनाउन की, तो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इसमें कैसे वर्ड्स आते हैं? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। और इनका यूज जो है किसी नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, किसी नेमिंग नाउन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे राधिका इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, हमने क्या किया, राधिका को रिप्लेस करके किसका यूज कर दिया? सी का यूज कर दिया। तो इस प्रकार ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। आगे बात करेंगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीस, दोज, द सेम, सच, ये सारी चीजें जो है किसमें आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस, दैट, दिस मींस यार, नियर के लिए यूज करते हैं। दिस इज अ बुक, जैसे मेरे हाथ में कोई बुक है तो मैं कह दूं दिस इज अ बुक, या फिर वहां कोई दूर बुक पड़ी है तो मैं बोल दूं दैट इज अ बुक। तो इस प्रकार दिस और दैट, दीज और दोज, दिस जो है वह जो है दिस का प्लूरल है, दैट, दैट का प्लूरल क्या होगा? दोज दैट का प्लूरल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका यूज होता है। उसके बाद आता है द सेम, द सेम बॉय वाज विद मी हु मेट यू यस्टरडे। तो इस प्रकार द सेम का यूज करते हैं। आगे अगर बात करें सच की, सच की बात करें तो सच अ मैन इज योर फ्रेंड, ऐसा आदमी तुम्हारा दोस्त है। तो इस प्रकार इसका यूज करते हैं। डिटेल में हम आगे बात करेंगे इस पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमने बात की पर्सनल पे, डेमोंस्ट्रेटिव पे, अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सम, एनी, नन, ऑल, ये सारे वर्ड्स जहां भी आए समझ लो कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद अगर हम बात करें तो इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन में हम देखते हैं कि एवरीवन, नो वन, समवन,
anyone. Everybody, nobody, somebody, anybody. Everything, nothing, something, anything. तो यहाँ पे everybody वाला जो आता है, everybody, nobody, somebody, anybody, इसे किसी ऐसे person के लिए यूज करते हैं जिसे हम नहीं जानते होते. और everyone, no one, someone, anyone, इनका यूज किसी ऐसे ऐसी चीज के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिसे हम जान रहे हैं प्रॉपर. उसके बाद एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनका यूज चीजों के लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है. तो इस प्रकार ये रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन. अगले प्रोनाउन की बात करें तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई, हु, हुम, हुज, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, ये होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अब इसमें इस पर हम डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, एक एक पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो हु, हुम, हुज, विच और दैट, तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं वे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. प्रकार ये यहां पे हमने देखा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन. यहां पे हमने चर्चा की व्हाट इज प्रोनाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एंड यहां पे हमने जो मेन काइंड्स हैं उन पर बात की. आगे हम एक एक काइंड के वीडियो पर डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद. थैंक यू.